एवरीवन, कैसे हैं आप सब? से बनने सुनने मुरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज ब्लॉग लेके आई हूँ जिस उससे रिलेटेड जो कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी सैलरी कैसे आई है, हम स्टार्ट कैसे करें। तो मैंने सोचा शायद आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि ये सब जो मतलब ब्लॉग बनाते हैं जो लोग, मैंने सोचा बता दिया होगा उन आपने, उन लोगों की वीडियोस देख ली होगी। लेकिन ज़्यादातर मेरे पास इसी चीज़ के वो आए हैं कमेंट कि आपकी सैलरी, आपने स्टार्ट कैसे किया, सैलरी कितनी आई। तो मैंने सोचा चलो इस ब्लॉग में बता दूँ। मेरे को लगा आप लोगों को सच में पता होगा कि फर्स्ट सैलरी कितनी आती है यूट्यूब से और सैलरी कब आती है। तो मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड एक ब्लॉग बनाऊँ, आप लोगों को सब बता दूँ। तो सबसे पहले कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, ब्लॉग बनाते हो, तो अगर आपके ब्लॉग पे व्यू नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचिए कि हमारे ब्लॉग पे तो व्यू नहीं आ रहे हैं, आप क्या करूँ बना के नहीं बनाती हूँ। तो ब्लॉग बनाते रहिए, नहीं पता होता है, हम लोगों को खुद को पता नहीं होता है हमारी कौन सी वीडियो बनाते बनाते अच्छी जाती है, जो हम सोचते हैं कि जो हम मतलब सोचते हैं कि ये वीडियो अच्छी जाएगी तैयार वैयार होके बनाते हैं तो वो वीडियो नहीं जाती है। जो लोगों को पसंद आती है, जो मतलब हमको भी पता नहीं रहता, हमको जो वीडियो खुद को पसंद नहीं आती है वो हमारी वीडियो चल जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ऐसा ब्लॉग के साथ भी है। हम ब्लॉग डालते रहते हैं और व्यू नहीं आते। वो जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमसे बोलते हैं कि कुछ तो, ज़्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ब्लॉग बनाएंगे, हम ये दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अरे सोचने दो भाई, जब सैलरी आएगी ना तो वही लोग ये सोचेंगे कि काश हम भी ये कर लेते। तो आप ये मत सोचिए कि व्यू नहीं आ रहे हैं, एक तो व्यू आ रहा है, दो व्यू आ रहे हैं। अरे एक दो व्यू भी आ रहा है ना तो भी आप कंटिन्यू करते रहिए, ब्लॉग बनाते रहिए। अगर जो नहीं बना रहे हैं उनसे बोल रही हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हैं, बहुत अच्छा मतलब ये यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हाउसवाइफ के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ जो मतलब कुछ कर नहीं पा रही है, आप घर में ही काम कर रहे हो, अपने बच्चे को संभाल रहे हो, तो वो सब भी आप बना के ब्लॉग बना के कर सकते हो। कितना टाइम लगता है यार, फोन ही तो रखना है। और जैसे आप एडिट का के हम ब्लॉग बनाते हैं, एडिट कैसे करें, तो एक ऐप आता है VN, मैं भी उसी से करती हूँ एडिट। तो मैं आपको ब्लॉग मतलब उसका भी बता दूँ कि आप एडिट कौन से ऐप से कर सकते हैं। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था, परी सिंह ने, कि आप इससे एडिट कर सकते हैं। सोभी, तो मेरी सिस्टर ने बताया था, परी ने, कि आप VN से, मेरे को मतलब किसी ने नहीं बताया था। बेटू सुनो, आ रही हूँ, आओ आ जाओ, जल्दी आओ बेटू, मैं परेशान मत करना है ना, खेली खेली कर लेना। तो मेरे को मेरी सिस्टर ने बताया था कि यहाँ से मतलब ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। नहीं बेटू उसको मत पकड़ो, बाबू लो ये ले लो ये, एक मिनट। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं और यूट्यूब से कैसे पता चल। तो हमारा जो ब्लॉग होता है उस पे 2000-3000 व्यूज अब आने लगते हैं। तो यूट्यूब स्टूडियो करके एक और ऐप होता है, आप उस पे जाइए और उस पे आप अपनी आईडी बनाइए, मतलब उस पे आपका जो यूट्यूब से अकाउंट, यूट्यूब प्रोफाइल होती है उस पे भी खुल जाएगी। तो उस पे ना एक वो देते हैं उस पे, मैं आपको इसका भी फोटो लगा रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका ये जो वॉच टाइम होता है ये 4000 हो जाएगा, मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरे 2000-3000 तो आते ही नहीं है व्यू, क्या पता कोई सा ब्लॉग आपका चल जाए। ब्लॉग कंटिन्यू डालते ही रहिए, ब्लॉग तो कोई सा ब्लॉग चल जाए अपना और उसी एक ब्लॉग से भी 4000 वॉच टाइम हो सकता है। और मेरा वॉच टाइम जब हुआ था, जब मैं अपने गांव गई थी, मेरे को ये कुछ नहीं था कि मेरा वॉच टाइम हो जाए। मैंने इसलिए ब्लॉग डाला था, क्योंकि मेरे को लोगों की बातें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कुछ लोगों की, तो मैंने इसलिए डाला था। वो उसी ब्लॉग से मेरा वॉच टाइम 4000 हो गया था। जैसे ही वॉच टाइम 4000 होता है तो आपके आसपास भी कोई हो तो उनसे, या फिर आप YouTube पे जाइए, YouTube पे एक वीडियो देखिए कि वॉच टाइम होने के बाद मतलब हम मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो YouTube पे एक मोनेटाइज का भी ऑप्शन आता है, आप YouTube पे जाएंगे, वीडियो देखेंगे, आपको कोई बता नहीं रहा है, क्योंकि आजकल कोई किसी को कुछ भी नहीं बताता है, ज्यादा से ज्यादा जलने वाले लोग होते हैं, तो कोई आपको नहीं बताएगा कि कहाँ से क्या करना है।
तो आप खुद जाइए यूट्यूब पे, जाइए वीडियो देखिए, मेरी ये जो प्रोसेस है सारी मेरे को मेरे हस्बैंड ने करी थी। तो आप जाइए यूट्यूब पे एक वीडियो देखिए, और अगर आपका 4000 वॉच टाइम हो जाता है तो आप यूट्यूब की वीडियो देख के वहां से अपना मोनेटाइज अकाउंट होता है वो कर लीजिए। उसके बाद जब आपका मोनेटाइज हो जाता है उसके बाद आपके डॉलर बनना चालू हो जाते हैं। आपको डॉलर का भी बताऊंगी, डॉलर बनना कहाँ से चालू होते हैं। तो आप वहां जाएंगे, आपके डॉलर बनना जैसे ही चालू हो जाएंगे, जैसे ही आपके 100 डॉलर बन जाए। आरू यार मत करो ना यार बाबू, लो इससे खेलो ना। तो ये वाला ब्लॉग करूंगी यहीं पे। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लव यू। तो उसके बाद हमारे डॉलर बनना चालू होते हैं। डॉलर कैसे बनते हैं, जैसे हमारा कोई सा ब्लॉग होता है, ब्लॉग चला जाता है, ब्लॉग मतलब चल जाता है ब्लॉग, उस पर व्यू हो जाते हैं, जैसे 5000 हो गए, 6000 हो गए, 7000, 8000, अगर इतने भी व्यू हो जाते हैं तो हमारे अर्निंग करके वो आता है, अर्न लिखा होता है उस पर। आप उस ऑप्शन पे जाएंगे, उस पर आपको अपने डॉलर बनना, जैसे 1 डॉलर, 2 डॉलर, ऐसे डॉलर जुड़ जुड़ के महीने में, एक महीने में सैलरी आती है। एक महीने में अगर आपके 100 डॉलर बन गए तो आपकी सैलरी 8000 रुपये आएगी, 100 डॉलर की 8000 आती है। और मेरे 135 डॉलर बन गए, 130 डॉलर बन गए थे, तो मेरी फर्स्ट सैलरी ऐसी आई थी कि मतलब 11000 कुछ आई थी। तो मेरी फर्स्ट सैलरी यही थी। मेरे को मैंने इसलिए नहीं बताया ब्लॉग में कि मेरे को लगा आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जो यूट्यूब जो मतलब ब्लॉग्स देखते हैं आप लोग, तो मेरे को लगा ये सब चीज किसी ने बता दी होगी, फर्स्ट सैलरी इतनी आती है। तो मेरी 11000 रुपये कुछ आई थी। तो जब 100 डॉलर बन जाते हैं उसी की 8000 रुपये सैलरी आती है। और ऐसा भी है जैसे आपका इस मंथ नहीं बना डॉलर, आपके 100 डॉलर एक महीने में नहीं बन पाए, दूसरे महीने, तीन महीने, जितने महीने में भी आपके 100 डॉलर बनेंगे उतने महीने में आपकी सैलरी आ जाएगी, और वो डॉलर नहीं काटते हैं। मेरे डॉलर कुछ कट गए थे क्योंकि जो मेरे हस्बैंड का अकाउंट है उन्होंने अकाउंट जीरो अकाउंट उसमें यूट्यूब के उसमें वो डाल दिया था ईमेल उसमें। हाँ एक बात और, जब आपका 4000 वॉच टाइम आ जाएगा तो उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। आपको अगर आपके घर में कोई नहीं जानता है, अगर आप नहीं जानते हो, तो YouTube पे ये सब सारी चीज़ें दी होती हैं कि मतलब YouTube पे अकाउंट कैसे जोड़ें, अकाउंट कैसे डालें, हमारे पैसे अकाउंट में कैसे आएंगे, हमारा 4000 वॉच टाइम हो गया है। तो ये पे आप YouTube ही पे जाइए, YouTube पे कोई सी भी वीडियो निकालिए कि कैसे करते हैं, बोल दीजिए गूगल पे, बोल दीजिए, आपके पास बहुत सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी। तो आप धीरे धीरे करके, नहीं हो पा रहा है तो 1-2 दिन में करके, लेकिन हाँ जो वो YouTube की प्रोसेस होती है अकाउंट डालने की, उसको बहुत अच्छे से भरना पड़ता है, बहुत सही से भरना पड़ता है, क्योंकि एक बार गलत भर जाती है तो फिर नहीं आती। जैसे कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था अपना पिन कोड YouTube से, सबसे पहले 4000 वॉच टाइम होने के बाद महीने भर, 15 महीने भर में हमारा पिन कोड आता है, वो पिन कोड हम किसी से शेयर नहीं करते किसी को, और वो पिन कोड ही एक बार आता है। वो जब पिन कोड आ जाता है तो यूट्यूब से, गूगल से अपन को एक पेज खुलता है, उस पेज में वो पिन कोड डालना पड़ता है, और वो पिन कोड मतलब यूट्यूब के पास जाता है, फिर वो वहाँ से भेजते हैं मतलब अकाउंट हमारी डिटेल्स मांगते हैं अकाउंट की, हमें गूगल पे वो भी भरनी पड़ती है, यूट्यूब के पास वो जाती है, उसके बाद सैलरी आती है। बहुत टाइम लगता है लेकिन आपको करना है चालू तो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब एक बार हो जाता है ये सब तो फिर कुछ नहीं, फिर सिर्फ ब्लॉग डालो और ब्लॉग पे व्यू आए, फिर उसके बाद हमारी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लोगों को नहीं है पता, आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे ब्लॉग्स पे तो व्यू नहीं आते, तो परेशान मत होइए, ब्लॉग डालते रहिए, किसी की बातों में मत आइए, किसी का मत सोचिए कि कौन क्या सोचेगा, हम ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, सोचने दीजिए। जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, आप कमाना चालू कर जाएंगे, तो इन सब लोगों के भी मुंह बंद हो जाएंगे और ये लोग भी यही सोचेंगे काश हम भी ये कर लेते, मतलब चेहरा ही देखेंगे। और दूसरी बात की क्या बोलते हैं, जब आपका कोई सा भी ब्लॉग चल जाएगा, आपका 4000 वॉच टाइम हो जाएगा, तभी ये होगा। और ऐसा भी नहीं कि हमारे तो इंस्टा पे भी फॉलोवर्स नहीं है तो यूट्यूब पे कैसे आएंगे, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे भी हो जाता है, जिसके क्या बोलते हैं इंस्टा पे फॉलोअर्स ज्यादा रहते हैं तो यूट्यूब पे व्यू नहीं आते ब्लॉग्स पे, ऐसा भी होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि इंस्टा पे तो कोई मतलब फॉलोअर है ही नहीं, यूट्यूब पे जाइए, अपनी आईडी बनाइए
और शुरुआत कर दीजिए ब्लॉग डालना किसी भी चीज के। आप घर में कुछ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी घर में इमोशनली हैप्पी कुछ भी मोमेंट हो रहे हैं, सारे फोन में रिकॉर्ड करिए और यूट्यूब पर डालिए। ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है हमको अर्निंग करने का, पैसा कमाने का। मैं तो आसानी बोलूंगी इसको, क्योंकि मतलब हम घर में काम ही तो करते हैं यार, वो तो डेली करते हैं। फोन रख के ये रिकॉर्ड करके डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आसानी है ना। तो काम करने से तो आसान है, जो हम काम करते हैं उससे आसान रिकॉर्ड करना है तो हम कर सकते हैं। मैं पहले इंस्टा पे करती थी और पहले यूट्यूब वो क्या बोलते हैं, पहले टिकटॉक के टाइम से मतलब 4 से 5 लाख फॉलोअर थे टिकटॉक पे मेरे। अगर उस टाइम पे भी मेरा दिमाग चलता थोड़ा सा भी कि यूट्यूब से ऐसा होता है, सच बताओ मेरे को कुछ भी पता नहीं था कि यूट्यूब से सच में पैसे आते हैं। मेरे जो मतलब आसपास के लोग थे वो भी मतलब गांव में किसको क्या पता होगा, बस मेरे को वीडियो बनाने से मतलब थी तो वीडियो बनाती रही। उसके बाद इंस्टा टिकटॉक गई तो टिकटॉक के जाने के बाद सडनली मैंने इंस्टा पे भी अकाउंट नहीं बनाया था, इंस्टा पे अकाउंट मैंने शादी के बाद बनाया, इनसे बात करती रही थी मैं। तो अगर उस टाइम पे मैं शुरू कर देती तो आज शायद और कुछ होता, मैं कहीं और होती। तो मैंने ये सब पहले चालू नहीं किया, जब मेरी सिस्टर इन लॉ छोटी वाली मीसू दीदी ने जब बताया मेरे को कि ब्लॉगिंग चालू कर, तब करा। और मेरे व्लॉग्स पे भी व्यू नहीं आते थे, देखा है आप लोगों ने। और ऐसा भी हुआ कि हंसी भी हुई, हंसी भी उड़ी है ब्लॉग बनाने पे, मैंने खुद ही मतलब देखा है। और कमेंट्स भी आए उस पर, बकवास करती हो कैसे, इतना बकवास कर लेती हो ये वो। ये सुनकर भी मैंने सोचा यार बोलने दो, क्या पता हो जाए कुछ। तो सच में मतलब मेरी सैलरी आई, बहुत खुशी थी मेरे को। अगर आप लोगों के भी मेरे को बहुत ज्यादा बहुत सी मतलब जो है उन लोगों के कमेंट करने से पता चल रहा था हाँ ये लोग सच में करना चाहती हैं ऐसा। तो मैंने ये ब्लॉग उन्हीं के लिए स्पेशली बनाया। एक उन्होंने एक और कमेंट किया था कि मुझे आपकी वीडियोस ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, और आपने अपनी सिस्टर को रिप्लाई किया, किसी को नहीं किया। तो अभी थोड़ा सा मतलब घर पे मेहमान आ रहे थे, इस वजह से मैं मतलब कुछ नहीं कर पा रही थी। और तबीयत भी आप लोगों ने ब्लॉग में सुना होगा कि कैसी थी मेरी, अभी जाके सही हुई है। तो अभी जो आगे के ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। छोटा सा ब्लॉग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरी सैलरी को लेके थे उन्हीं के मतलब कमेंट यही आ रहे थे कि बताइए कितनी सैलरी आई है फर्स्ट, कैसे हमको स्टार्ट कैसे करें। तो आप स्टार्ट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको मतलब फोन में भी फोन करके भी दिखा दूंगी, फोन में भी बता दूंगी। तो बताइएगा कि ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और आपको ये वाला ब्लॉग करूंगी मैं यहीं पे एंड। और बताइएगा कि कैसा लगा ब्लॉग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिसने प्लीज कर लेना और लाइक करना। और मैं अभी बताऊंगी कि लेसेस कैसे लगाते हैं, नेल्स कैसे लगाते हैं, अभी लगाए भी नहीं है मैंने। तो ये वाला ब्लॉग जो है मैं सारा एक साथ ही डालूंगी, तो प्लीज़ जिसने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड बाय बाय।